हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। आज हम आए हैं अपने गेहूं का खेत, जिसमें कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। हम पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी भी कर लेते हैं। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर हमारे इधर खेती बाड़ी ही होती है। यदि हम लोग थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी नहीं कर लेंगे तो इस महंगाई के दुनिया में हम लोग जी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे परिवार का आर्थिक स्थिति उतना अच्छी नहीं है और ना ही मेरे परिवार में किसी के पास नौकरी है। इसीलिए हम पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा मोड़ा अपना खेती बाड़ी भी कर लेते हैं। अभी हम आए हैं अपने खेत, गेहूं मेरा ख़राब हो रहा है। अब इसमें पल्ला लगा है या कीड़ा लगा हुआ है वो तो पता नहीं है, उसी का छिड़काव करने के लिए आए हैं और हम आपको दिखाएंगे जो कैसे छिड़काव किया जाता है और इसमें कौन सा दवाई का यूज हम करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं। दिखाने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके साथ साथ मेरा भी कुछ भला हो जाएगा और मेरा भी दिन अच्छा से कटेगा और इस पापी पेट को भी कुछ सहारा मिल पाएगा। तो धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं, यही वो मशीन है जिससे हम अपने खेत का छिड़काव करेंगे। और इस ये मशीन, इसमें 15 लीटर पानी अड़ता है। अभी इसमें हम 15 लीटर पानी भरेंगे। इसको पहले हम खोल लेते हैं और पहले इसमें हम 15 लीटर पानी भर लेते हैं और उसके बाद हम दिखाते हैं कौन सा दवाई इसमें हम यूज करेंगे। तो पहले हम 15 लीटर इसमें पानी भरते हैं। जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं, इसमें हम 15 लीटर पानी भर दिए हैं और इसके बाद हम इसमें जो दवाई मिलाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे कौन कौन सा दवाई का यूज करेंगे। पानी हम ले लिए हैं, इसको हम 3 लीटर पानी में इसको पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद इस ड्राम को जो आप देख रहे हैं, इस ड्राम में जो है ये 3 ड्राम का दवा है, यानी 1 लीटर पानी हम उसमें डालेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो अगले खेत में फिर से डालेंगे। इसको पहले हम खोल लेते हैं। को दिखाते हैं इसका रंग कैसा है, तो देख रहे हैं हम इसको, इस पाउडर को इसमें डाल लें और देखने में देखिए कैसा लग रहा है पाउडर। इसको पूरी तरह इसमें डाल लेंगे। आप जब भी कभी छिड़काव करें तो मास्क ज़रूर लगा लें, क्योंकि ये नाक के द्वारा अंदर फेफड़ा में चले जाने से आपको काफ़ी खराबी होगी। एक पैकेट डाल दिए हैं और यही दवाई फिर से एक पैकेट है मेरे पास, काहे कि 100 ग्राम का नहीं था तो 50-50 ग्राम का 2 पैकेट दिया हुआ है।
आप लोग भी इसका नाम देख लीजिए। आपको भी यदि ज़रूरी पड़े खेत में छिड़काव करने के लिए कीटनाशक, तो आप ये दवाई का यूज कर सकते हैं। इसको भी डाल दिए हैं। और दूसरा दवाई दोस्त आप देख रहे हैं, ये भी सेम है, इसको भी हम पूरे डाल देंगे। इस सबको घोल के मिला लेंगे। देखना, इसको हम मिला लेते हैं बाल्टीन में। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे इसमें। उसे नहीं मिल रहा है तो इसको हम देखिए इसका रंग कैसा हो गया। अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो। अब ये दवाई पूरी तरह तैयार है, हम आपको दिखाने वाले हैं। ये दवाई आप देख रहे हैं, इसका नाम इधर लिखा हुआ है। ये कीट के लिए है। इससे हम ये भी 3 बाल्टीन के लिए दवाई इसमें है। 3 बाल्टीन का दवाई इसमें इस डब्बा में भरा हुआ है। तो पहले हम 1 बाल्टीन का बना रहे हैं, तो इसको हम पूरी तरह खोल लेते हैं। बहुत जम के लगा हुआ है, इसको खोल लिए हैं। ये अभी सील पैक है, इसको तोड़ लेते हैं। इसके अंदर भी एक ढक्कन लगा हुआ है, इसको भी खोलते हैं। खुल नहीं रहा है दोस्त। देखिए दोस्त, इस समय 1 ढक्कन दवाई लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे। पूरी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स कर देते हैं। पूरी तरह मिक्स हो चुका है। तो अब दोस्त, हम आपको दिखाने वाले हैं
जो इसको अपने पीठ के ऊपर लगा के और उससे हम पूरा खेत का छिड़काव करेंगे। और आप भी देखते रहिए कैसे हम छिड़काव करते हैं। तो हम अभी मोबाइल को वहाँ रखते हैं, उसके बाद हम छिड़काव करेंगे। पर उठेगा अखनो नहीं छो ना खाद दे वाला खेत में इन खेत जब जब कर छो ऐसे तो बेसी जब जब रहो को देखो मार कनी कनी को बना दियो टुकड़ी वीडियो धा देव धा दे तब के करे रख भी रख दी धा दी आलू Thank you.